हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त कनिका। कैसे हैं आज आप? तो आज आपको मैं यहां झाड़ू लगाते हुए इसलिए दिख रही हूं क्योंकि ये है मेरे स्टूडियो की बालकनी और यहां पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बट सर्दियों में धूप सेकने का काम करती हूँ। और जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो लेते हैं अपने मिनी ब्रेक्स बच्चों के साथ, कभी यहाँ पे क्रो पीजन दिखाते हैं बिकॉज मैं करती हूँ बेबी शूट। तो आई वॉन्टेड टू गिव अ मेकओवर टू दिस बालकनी विथ द थिंग्स जो मेरे पास स्टूडियो में है। तो मैंने सोचा कि जो हमारे पास अवेलेबल है उससे ही क्यों ना एक छोटा सा मेकओवर दिया जाए। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि स्टूडियो में ऑलरेडी अवेलेबल थी, घर में भी हमारे अवेलेबल होती हैं, तो उन्हीं से मैं आज यहाँ पर डेकोरेट करने वाली हूँ अपनी इस छोटी सी मिनी बालकनी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको झाड़ू लगा के साफ़ कर लिया है। मेड आती है बट आई वॉन्टेड टू गिव अ डीप क्लीनिंग और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाया और कम्प्लीटली दे दिया इस बालकनी को एक क्लीन लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये बालकनी क्लीन हो चुकी है और मेरे पास यहाँ पे ग्रीन ग्रास ऑलरेडी है जो कि 5x4 था बिकॉज हम इसको अगेन शूट में यूज़ करते हैं, 5x4 साइज़ है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ ताकि इसका जो भी डस्ट एंड डर्ट है वो निकल जाए। और यहाँ पे मैं इसको कट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज कभी फ्यूचर में अगर हमको इसको अपने सेटअप के लिए, बेबी शूट के लिए यूज़ करना पड़ा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बिछा दिया है। ग्रीन ग्रास बहुत टाइप से आती है, इसमें काफ़ी थिक MM आते हैं, स्मॉल MM आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी बालकनी को डेकोरेट डेकडप करने के लिए ले सकते हैं। और बहुत ईजी होती है, ईजी टू मेनटेन है, आप आराम से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। आप जहाँ से चाहें इसको इजी कट कर सकते हैं, अगर किसी कॉर्नर पे आप कट करना चाहें इसको फिक्स कर सकते हैं, कोई फिक्स से भी फिक्सिंग हो सकती है, इसमें होल्स होते हैं, इजी टू ड्राई है ये। तो यहाँ पे मैंने इस आर्टिफिशियल ग्रास को फिक्स कर दिया है जो कि बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है क्योंकि इस कॉर्नर पे मैं एक छोटा सा कोजी सेटिंग बनाने जा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने DIY से लिया था और आप DIY में जाएंगे आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा इसको विंटेज काइंड ऑफ एस्थेटिक लुक देने के लिए यहाँ पे इसको होल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप नेल्स के सोर्स से भी इसको स्टक कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ही अभी इसको रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक कॉर्नर में ये बॉक्स यूज़ करने वाली हूँ। ये बॉक्स हमारा शूट में अगेन यूज़ होता है, ये आप सब्ज़ी अगर ज़्यादा लेते हैं या फ्रूट बास्केट मंगाते हैं, फ्रूट ज़्यादा मंगाते हैं होलसेल में तो इस टाइप की आपके यहाँ बास्केट्स आती हैं, मैंने उसी को कलर करके रखा हुआ है। और हम इसमें एक्चुअली फ्लावर स्टोर करने का काम करते थे, ड्राई फ्लावर्स। तो यहाँ पर मैं इसको कॉर्नर में रख रही हूँ, अगर कभी कोई नीचे बैठ के चाय रखना चाहता है या प्लांटर्स आप इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इस कॉर्नर पर मुझे कुछ हैंग करना था तो आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्टूल, तो यहाँ मैंने रख दिया एक स्टूल और एक मैंने नील लगा दिया है ऊपर। और ये अभी आपने मेरे पिछले हॉल में देखा होगा, मीशो के हॉल में, कि मैंने ये 3 प्लांटर लेयर ऑर्डर किया था और इसके लिए प्लांट्स भी मीशो से ही ऑर्डर किए थे। तो मैं यहाँ पे उसको लगाने जा रही हूँ और ये बहुत ही लगाते साथ ही इसने मेरी वॉल का लुक एकदम से चेंज कर दिया। ग्रीनरी आप कहीं पे भी लगाइए, इतनी सुंदर लगती है। और इस बालकनी को मैं आर्टिफिशियल फ्लावर से ही डेकोरेट करूँगी, आर्टिफिशियल ग्रीनरी से ही डेकोरेट करूँगी बिकॉज यहाँ पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कोई भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जो प्लांट्स में पानी डालने वाला है रेगुलरली, यहाँ बहुत मुश्किल होता है मेंटेनेंस, इसीलिए हम सारा कुछ आर्टिफिशियल ग्रीनरी, आर्टिफिशियल फ्लावर से ही डेकोरेट करेंगे। सो यहाँ मैंने परचेज़ किया था थोड़े दिन पहले लाजपत नगर से ये फ्रेम जो कि अगेन मुझे वाइट कलर में मिला था और मैंने इस पर कॉपर पेंट खुद से कर लिया था अपने घर पे। आप कॉपर स्प्रे लेके या गोल्डन स्प्रे लेके, वाइट स्प्रे या वाइट पेंट भी, आप इस प्रकार से बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, आप ऐसा स्प्रे करके इस टाइप से वॉल पर लगा सकते हैं। आप इंडोर वॉल पर लगाइए तो भी बहुत अच्छा लगेगा एस्थेटिकली और आउटसाइड में तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो यहाँ पे अगेन मैंने एक छोटी सी जूट की बास्केट टाइप थी मेरे पास जो कि ख़राब हो रही थी, मैंने इसको नेल से यहाँ पे इसको हैंग कर दिया है और ये गिरेगी भी नहीं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बास्केट है या फिर कोई पुराना मग है तो आप उसको भी इस टाइप से हैंग कर सकते हैं। उस पर मैं अगेन थोड़ी सी ग्रीनरी क्रीपर्स डाल रही हूँ और ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि ये पार्लर, अगर आप कोई भी चीज़ डेकोरेट करते हैं तो देखिए लेफ़्ट और राइट प्रोफाइल को डेकोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वल एंड जब चीज़ लुक आती है ना तो वो बहुत सुंदर लगती है।
सेम यहाँ नीचे भी मैंने क्रीपर्स अगेन लगा दिए हैं विद अ प्लांटर और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगेन आप लेफ्ट राइट प्रोफाइल अगर देखें तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत सुंदर लगने वाला है और ये बहुत ईजी टू मेनटेन है, ईजी टू वॉश वाले क्रीपर्स हैं। यहाँ मैं अपनी ऑरेंज चेयर हाईलाइट के लिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज सिंगल बंदा आराम से बैठ के यहाँ चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकता है, इवन आपके साथ कोई भी आके खड़ा हो सकता है, एक छोटा सा स्टूल भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपके घर पर आ रहा है तो। अब यहाँ कमी लग रही थी मुझे फ्लावर्स की तो मेरे पास ये बोगनवेलिया के बिल्कुल रियल दिखने वाले फ्लावर्स हैं जो मैंने अगेन लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे काफ़ी टाइम पहले और ये वाइट एंड आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग फ्लावर्स हैं। इनको साइड में मैंने एक छोटे से गमले में लगा दिया है और अगेन ये मीशो से जो आप गमला देख रहे हैं ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, 5 सेट्स में आए थे ये मेरे पास और इनको मैंने पिंक और वाइट के साथ मिक्स एंड मर्ज करके लगाया तो ये एरिया एकदम से खिल उठा बिकॉज फ्लावर्स जो है वो लुक को एकदम इन्हांस कर देते हैं और फ्लावर्स के बिना बालकनी तो बिल्कुल अधूरी लगती है। अब चेयर आ चुकी है तो फिर एक टेबल की भी ज़रूरत है बिकॉज आप यहाँ बैठ के चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे एंड अगेन अपनी बुक रीडिंग का इंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने गाने सुन सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको टेबल की बहुत ज़रूरत होती है तो यहाँ मैंने अगेन बहुत ही लाइट वेट चेयर है, ये लाइट वेट टेबल है, दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं बिकॉज ये इस एरिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी ब्राइट कलर आप अपनी बालकनी में यूज़ करेंगे तो वो एरिया एकदम से इन्हांस हो जाएगा। यहाँ मैं अगेन एक छोटा सा कुशन कवर कुशन यूज़ कर रही हूँ विद अ बर्ड ऑन इट और ये अगेन देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुशन चेयर एनीथिंग इन ब्राइट इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इन्हांस योर बालकनी और एनी एरिया ऑफ योर होम। तो यहाँ मैं देख सकते हैं आप, आई एम लविंग द लुक, आई एम लविंग द ब्यूटी ऑफ माई बालकनी। सो गाइज डू कमेंट, डू लाइक एंड इफ़ यू लाइक माई बालकनी मेक ओवर प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट, एक छोटी सी लाइक ज़रूर दें एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाई।